प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का आंकलन करने के लिए हमीरपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, सांसद रामस्वरूप शर्मा, सांसद वीरेंद्र कश्यप सहित भाजपा जिला अध्यक्ष व प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में चुनावों के बाद पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं इसका आंकलन किया गया तथा भविष्य की रणनीति तय की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चुनावों की स्थिति का आंकलन करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें यह सामने आया है कि प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी रही है तथा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग हुई है, यह मीटिंग हमने जो पीछे विधानसभा के चुनाव हुए उस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की धरातल की उपस्थिति क्या है और कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेकर के इस मीटिंग में जिलों के अध्यक्ष और जिलों के इंचार्ज, उसके साथ साथ पार्टी के प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण आए हैं। तो जो अभी तक चर्चा हुई है, उस चर्चा में से जो निकल करके आया है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बना रही है और बहुत अच्छे बहुमत से बना रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत दिया है, ऐसा हर जिला से, हर विधानसभा क्षेत्र से जो फीडबैक आया है उसके ध्यान में आया है। इसके दो प्रमुख कारण ध्यान में लाए गए हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो फीडबैक आया है। एक तो 5 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का जो शासन रहा वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे नकारा, मात्र घोषणाओं के ऊपर लोगों को ललचाने की कोशिश की गई, जिसका प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को इस चुनावों में विरोध में वोट देकर के करारा जवाब दिया है। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के साथ साथ जो विकास की तरफ ध्यान सरकारों का आजकल जा रहा है वो ना जाना कांग्रेस को भारी पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट्स दिए हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर चिंता ना करते हुए अपने ही मुखिया को बचाने में 5 साल तक मंत्रियों का और पूरे संगठन का लगे रहना, ये कांग्रेस सरकार के लिए प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया है। सत्ती ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिली फीडबैक से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने जनता को घोषणाओं से बहकाने की कोशिश की है तथा केंद्र की योजनाओं को भलीभांति लागू करने की बजाय अपने भ्रष्टाचार में शामिल अपने मुखिया को बचाने में लगे हैं। उन्होंने पार्टी में भीतरघात करने वालों के खिलाफ हो रही कार्यवाही पर बताया कि मंडल इसमें केवल मांग करता है, आखिर निर्णय प्रदेश अनुशासन समिति के द्वारा किया जाता है तथा वही निर्णय सर्वमान्य होता है। मंडल में लोग अपने आप देख रहे हैं, कर रहे हैं मंडल में लोग, तो कुछ एक स्थानों पर आ रही है, उसमें आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है। अभी मंडल कितनी पहुंची है? अभी हमें तो भेज ही रहे होंगे चिट्ठियां, अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, मीडिया में लोग जा रहे हैं। हमने ये कहा है सब लोगों को कि इस मामले में संयम बरतें, मीडिया में ना जाएं, सोशल मीडिया में ना जाएं। जो भी किसी को लगता है वो उचित व्यक्ति के पास उचित स्थान पर जाकर के उचित समय पर बताया जाए, ताकि उसका अपनी तरफ से निष्कासित करता है, स्टेट से इसके निर्णय होते हैं, मंडल डिमांड करता है, मंडल हमें बताएगा जी इन्होंने जो गड़बड़ की है, बाकी आप लोग देखें। लेकिन बरसों उनका वो स्टेट से नहीं है, नहीं अभी स्टेट के निर्णय तो सब इकट्ठे निर्णय होंगे ना जी, कोई भी निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा उसमें जो कार्रवाई संभव होगी, जो हमें फीडबैक आएगा उसमें पूरा उसमें निर्णय फिर प्रदेश की वो जो अनुशासन समिति है उसके चेयरमैन हमारे वीरेंद्र कश्यप जी हैं। हाँ, यानी 10-11 से कम किसी पार्लियामेंट से नहीं आ रही है, ऐसा सबने बताया। जैसे पिछली बार हम कांगड़ा में थोड़ा गच्चा खा गए थे, एक आई थी 13 में से 12 हम हार गए थे, उसमें कांगड़ा की टोटल 4 आई थी 17 में से, 3 चंबा की, 1 कांगड़ा की, शाहपुर वाली। लेकिन इस बार हमें मान के चलते वहाँ भी 10 से कम नहीं हम रहेंगे, तो देखेंगे अभी बैठेंगे, शायद प्रत्याशियों के साथ बैठना हो ऐसा सोच रहे हैं। अभी बहुत से लोग गुजरात जा रहे हैं, आज वो लिस्ट फाइनल करेंगे अभी बैठ करके। हम लोग गुजरात से अभी डिमांड आई है कि कुछ लोग भेजे जाएं, 30-35 लोग, अभी देखते हैं, क्योंकि सब लोग अपने काम में भी बिजी थे,
और अभी जेन्युइन आदमी जो अपना समय दे सकते होंगे, तो उनमें से बहुत से लोग गुजरात भी जाने वाले हैं अभी।